नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशा स्टडी कॉर्नर में। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा रहेगा एडजेक्टिव। इससे पहले हम आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन की वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। अब होता क्या है कि आपको पैटर्न वाइज जो है कोई भी चैप्टर जो है शुरू करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आप एडजेक्टिव एकदम से करने लग जाए। हर एक चैप्टर के अलग से रूल्स हैं, ठीक है। और रही टेंसेज की बात, हम क्या करते हैं टेंसेज एकदम से करने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी आपके चैप्टर रहते हैं, ठीक है। तो इसे आपको सिस्टमेटिकली देखना पड़ता है। तो आइए हम करते हैं हमारा आज का चैप्टर एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद समथिंग एल्स, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, यानी कि उनकी विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब जब मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगी या हम इसके रूल्स करेंगे, आपको वहाँ एकदम से समझ आने वाला है। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव। नोट कर लीजिएगा, देर आर सिक्स काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। सिक्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब ये सिक्स काइंड इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए, हर एक का मतलब आपको यहाँ समझना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान आने ही वाला है कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास इसके छह प्रकार थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आइए देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। देखिए, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण, ठीक है। और याद रखिएगा, हम कर रहे हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जांपल मैं आपको इसका बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ, इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो आपको किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी चीज़, यानी कि थिंग की विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, गुण बताए, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का हमें गुण बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, शिमला is a beautiful city, ठीक है। शिमला is a beautiful city। दूसरा example मैं आपको आज यहाँ लूंगी, he is a handsome boy, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी छांटना है। तो देखिए, शिमला इज अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पर क्वालिटी आपको देखनी है कि क्वालिटी क्या बताई गई है। तो शिमला एक जो है क्या है, सुंदर शहर। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आपके पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल में इज अ हैंडसम बॉय, बॉय का अर्थ बताया गया कैसा है? हैंडसम। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? हैंडसम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहने वाला है एडजेक्टिव
ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है मात्रा, इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। दीज एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव गिव आंसर टू द क्वेश्चंस, गिव आंसर टू द क्वेश्चंस। अब देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कि किसी की मात्रा के बारे में यहाँ बात की गई है, और जो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के आपके पास यहाँ वर्ड्स आने वाले हैं वो दीज एडजेक्टिव गिव आंसर टू द क्वेश्चन, वो एडजेक्टिव क्या करते हैं आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन का। और वो स्टार्ट किससे होते हैं लिख लीजिएगा, बिगनिंग विद द वर्ड्स, बिगनिंग विद द वर्ड्स हाउ मच, ठीक है, बिगनिंग विद द वर्ड्स हाउ मच। अब देखिए जैसे कि क्वांटिटी की बात यहाँ की गई है मात्रा, ठीक है, तो आपके पास ये काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल हुआ, सबसे पहले बात यहाँ पर आ जाती है हमारे पास। तो देखिए काउंटेबल होता है जिसका जो है हम काउंट कर सके, जिसकी गणना की जा सके, अनकाउंटेबल होता है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, आप यहाँ लिख लीजिएगा हाउ मच जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आई टेक सफिशेंट वाटर इन अ डे, ठीक है, आई टेक सफिशेंट वाटर इन अ डे। अब देखिए वाटर यानी कि पानी की बात यहाँ की गई है, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हुआ अनकाउंटेबल हुआ, और ये है क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपके पास यहाँ क्या हुआ सफिशेंट हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हुआ आपके पास यहाँ पर सफिशेंट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, I have a little food at my home. तो आपको यहाँ पर adjective of quantity ही बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा a little। अब देखिए food भी आपके पास क्या है uncountable है, तो यहाँ पर आपका subjective of quantity क्या आ गया a little। ऐसे ही कुछ words जो मैं आपको यहाँ पर लिखने वाली हूँ आपको वो याद रखने हैं, ठीक है, तो देखिए वर्ड लिख लीजिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास सफिशिएंट ही आ गया, ठीक है, ये आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड्स में लिख रही हूँ सफिशिएंट, ये हमें रूल्स में आगे मदद करने वाले हैं, इनफ अ लिटल, ठीक है, ग्रेट लेस लिस्ट मच मोर मोस्ट हाफ सम एटसेट्रा, ठीक है, तो ये जो आपके वर्ड्स है ये क्वांटिटी को शो करते हैं, आपको याद रखने हैं ये वर्ड्स जो है क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी कि मात्रा, यानी कि अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपका कहाँ होगा जहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पर्सन प्लेस और थिंग इनकी जो है विशेषता बताते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और ये वर्ड जो है कहाँ से शुरू होता है बिगनिंग विद वर्ड्स हाउ मच, और ये यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए यानी जिसकी गणना आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिए थर्ड जो हमारे पास था वो था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए नंबर का मतलब ही क्या हुआ, नंबर मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा काउंटेबल, और क्वांटिटी यानी कि मात्रा जहाँ पर हमारे पास थी वहाँ पर हमारे पास आएगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये भी सेम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह है, लेकिन लिख लीजिएगा दीज एडजेक्टिव गिव
आंसर टू द क्वेश्चंस बिगनिंग विथ द वर्ड्स. देखिए अनकाउंटेबल के लिए आपके पास हाउ मच यूज किया गया था और यहाँ पर यूज होगा हाउ मैनी. ठीक है, बिगनिंग विद द वर्ड्स हाउ मैनी. एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ. देयर आर 26 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. ठीक है, इन आवर क्लास. ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि हाउ मैनी आपका कहाँ यूज होगा, जहाँ पर जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हो, स्टूडेंट की आप काउंटिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो 26 स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूंगी. देयर आर 5 नॉटी बॉयज इन आवर क्लास. देखिए अगर आपको आर्टिकल नाउन प्रोनाउन पता है तो आपको पूरी की पूरी सेंटेंस दे दी जाए, उसमें पूछा जाए बताइए इसमें आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है या नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव. ये आपको तभी क्लियर हो सकता है जब आप इसे ढंग से पढ़ेंगे, यानी कि आपको चैप्टर वाइज ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी. ठीक है, तो देयर आर 5 नॉटी बॉयज इन आवर क्लास. देखिए यहाँ पर 5 नॉटी बॉयज, 5 आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर नॉटी ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आपके पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, जो किसी पर्सन या प्लेस या थिंग की क्या बताए, विशेषता. तो क्या आ रहा है, नॉटी बॉयज. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फोर्थ हमारा रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो करना. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना. डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दीज एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स, डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स टू अस, यानी कि किसी चीज को हमें शो करते हैं. दीज एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स टू अस बाय, किस वजह से, बाय हाईलाइटिंग इट्स क्वालिटी. ठीक है, बाय हाईलाइटिंग इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी की वजह से वो शो करते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. This boy is at the bottom of the class. ठीक है, bottom of the class. और दूसरा example, this boy is at the top of the class. ठीक है, तो देखिए demonstrate का मतलब यही था. These adjective demonstrate the things to us by highlighting its quality. अब यहाँ पर हमें तो पता है कि demonstrate का मतलब था किसी चीज़ को शो कर रहे हैं. तो ये बता रहा है कि जो लड़का है वो कहाँ है, एट द बॉटम से बैठा है या एट द टॉप से बैठा है क्लास में. ठीक है, तो ये इसका आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने नहीं पढ़ा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता क्या है, हर एक चीज़ को शो करना. और इसके कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे, लिख लीजिएगा, दीज एडजेक्टिव्स शो ईच वन आउट ऑफ द नंबर ऑफ द थिंग्स, आउट ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स.
देखिए ये वर्ड कौन कौन से थे आपके पास, इसमें था ईच, यानी कि दीज एडजेक्टिव शो ईच वन आउट ऑफ द नंबर, जो हर एक चीज़ को यहाँ पर शो हमारे पास करते हैं। ये वर्ड हमारे पास ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या आइदर ऑफ द गर्ल्स इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, देखिए इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपका आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये आता है आपके पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, या विच इज योर मोस्ट फेवरेट डिश, ये भी आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे बताऊँगी कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड और हु इज योर फ्रेंड में क्या अंतर है, और ये इंटेरोगेटिव तो है लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आता है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, आइए देखते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पर दो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, हु इज योर फ्रेंड और हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब मैं आपको इसमें पूछूंगी, बताइए इंटेरोगेटिव प्रॉपर नाउन आपके पास यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, और दूसरा मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इनमें से यहाँ कौन सा है, ध्यान से देखिए। देखिए हु इज़ योर फ्रेंड और हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्यों, और ये है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिएगा। हु इज़ योर फ्रेंड और हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास एकदम सिंपल पूछा गया है कि आपकी जो है फ्रेंड कौन है, और दूसरे एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बेस्ट, इसमें बेस्ट पूछा गया है तो मतलब यहाँ पर क्वालिटी पूछी गई है, और अगर क्वालिटी पूछी गई है तो वह आपका कहाँ आता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आता है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास बेस्ट पूछ लिया गया वो आपका कहाँ आया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आया, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिर्फ पूछा गया था हु इज़ योर फ्रेंड, यानी कि सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है तो ये आपके पास होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल यहाँ पूछूँ, हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट डिश, और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ, हु इज़ योर फेवरेट डिश, फिर से ध्यान से देखिए, एक है हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट डिश और हु इज़ योर फेवरेट डिश, यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो यहाँ पर आपके पास मैंने कहा सिंपल होगा तो आपके पास आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। और दूसरे में पूछा गया हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट डिश, यानी कि सबसे अच्छी डिश कौन सी है, तो यहाँ पर फिर से क्वालिटी की बात की गई है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, याद आपके पास आ जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये थे हमारे पास एडजेक्टिव और उसके पार्ट्स, आज की वीडियो में इतना ही।
ठीक है, बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाएगा बताइए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, नाउन इसमें कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, तो ये आपको सब क्लियर होने वाला है। थैंक यू।